कि कि पे और आना चाहिए अगर आता है तो क्या आप लोगों की जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो कम हो जाएगी या यू फील कि मतलब जिस आराम से सारा कंटेंट हर एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है मेरा मानना है कि मैं किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हूँ मुझे लगता है कि हमको समाज पे भरोसा रखना चाहिए हमको इंडिविजुअल्स पे भरोसा रखना चाहिए उन हम उनको वोट देने का अधिकार देते हैं तो उनको समझ का भी अधिकार देना चाहिए कि उनके पास समझ है और हमारे पास कानून है हमारे पास नियम है कोई भी व्यक्ति अगर अगर अराजक होता है तो उसके लिए कानून है लेकिन मुझे लगता है कि जब हम जब हम बांधना शुरू करते हैं व्यक्ति को तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना है ना तो हालांकि जो मेरी मेरा चुनाव है वो अलग हो सकता है हो सकता है मैं वो सब ना करना चाहूं लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तरह की सेंसरशिप जो है ना वो इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं ना व्यक्ति डिसाइड करता है और व्यक्ति कब सही होगा कौन व्यक्ति होगा जो तय करेगा कि मैं, मैं ब्रह्म हूं है ना तो वो मुझे लगता है लेकिन हाँ Uh, जो अवनीश भाई ने कहा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि एक तरह की जो हर व्यक्ति जो एक व्यक्ति है जो एक चीज को एक तरह से देखता है दूसरा व्यक्ति उसी को दूसरे तरह से देखता है तो मुझे लगता है वो आज़ादी तो होनी चाहिए और आजकल तो सेंसरशिप uh, तो इतना एरेलीवेंट हो गया है बिकॉज सबके हाथ में मोबाइल है, mobile है बच्चों के हाथ में है आप क्या अब वो अलग जमाना गया कि एक टीवी होता था कि पूरा परिवार बैठ के टीवी देखता था अब इसी पर इसी ये जो हमारा परिवार यहाँ बैठा हुआ है यहीं पे हम बैठ के देख लें कि आखिरी बार कब पूरे परिवार ने बैठ के पूरी फिल्म एक साथ घर में देखी थी बड़ा मुश्किल है ना सब लोग अपने अपने एक ही कमरे में बैठ के अपने अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं बच्चा लैपटॉप में है माँ मोबाइल में है बाप मोबाइल में खाना खा ले हो सकती बात होती है और अगर असल में लोगों से अगर साक्षात कर साक्षात्कार करना होता है तो उसके लिए हमको थिएटर देखना पड़ता है थिएटर में जाकर के असल में जिंदा लोग आपको बात करते हुए दिखते हैं कुछ समय में वो इसीलिए उतना रेलिवेंट होता जाएगा बिल्कुल सही बात